हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से, कालेपन से, पिंपल से, झाइयों से परेशान हो चुके हैं? तो मात्र एक ऐसा नुस्खा जिसके यूज से आपके चेहरे के काले दाग धब्बे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और लौट कर भी नहीं आ पाएंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक छोटे साइज के टमाटो का यूज करना है। इसके जरिए आपके चेहरे के सारे काले दाग धब्बे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। टमाटर के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो चेहरे के कालेपन को काटता है, चेहरे के दाग धब्बों को काटता है, उन्हें आने से रोकता है, स्किन को एकदम से क्लीन करता है, चेहरे के रंग को गोरा करता है। क्योंकि फिर से हमारी चेहरे की स्किन के अंदर जाकर, ओपन पोर्स के अंदर जाकर गंदगी को क्लीन कर देता है और हमारे चेहरे के रंग को भी तेजी से गोरा बनाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही इजी है। आप आसानी से बनाकर इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मात्र आपको एक छोटे साइज का टमाटर लेना है और देखिए इसके किस तरह से आपके चेहरे पर फायदा होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस नुस्खे को कि आपको इस नुस्खे को किस तरह से बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा एक चम्मच ग्राम फ्लोर का, यानी कि बेसन। आप मात्र फ्रेंड्स इसमें एक चम्मच ग्राम फ्लोर को ऐड कर दीजिएगा। ग्राम फ्लोर को ऐड करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा शुगर। आपको फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच चीनी के दाने ऐड करने होंगे। घर में यूज होने वाली आपको चीनी लेनी है, कोई एक्स्ट्रा, कोई बाहर से कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। बेसन और चीनी फ्रेंड्स हर घर में अवेलेबल होती है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा टमाटर का रस। टमाटर को आप दोनों हाथों में लेकर इस तरह से हल्के हाथों से दबाते रहिएगा इस तरह से, ताकि फ्रेंड्स इसके अंदर का जो रस है वो सॉफ्ट हो जाए। देखिए गाइस एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। अब आपको इसमें एक होल बना लेना होगा, किसी भी चीज से आप इसमें एक बड़ा सा होल बना लीजिए ताकि इसके अंदर का रस आसानी से निकल जाए, या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसके रस को निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसे कद्दूकस कर लेना होगा, दो हिस्से करके आप इसका कद्दूकस कर लीजिए और इसके अंदर को रस और इसके अंदर के रस को आप इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितनी मात्रा में अच्छे से एकदम इसका रस इसमें निकल चुका है। अब आप इसे बचे हुए हिस्से को सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको मात्र इसमें ऐड करना होगा रोज वाटर। एक से डेढ़ चम्मच रोज वाटर आप इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर गाइस इतना रोज वाटर ऐड कीजिए कि एकदम से स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। हमारा पेस्ट एकदम पतला नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम से गाढ़ा होना चाहिए। देखिए गाइस एकदम से परफेक्ट पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो चुका है। और गाइस जब भी आप इस पेस्ट को बनाएंगे तो आपको साथ ही साथ अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करना होगा, यानी कि आप इसे रख कर मत छोड़िएगा। रख कर छोड़ने से फ्रेंड्स इसमें चीनी के दाने घुल जाएंगे और आपके चेहरे पर स्क्रबिंग का कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार है। अब आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। चेहरे को पोस्ट करने से हमारे चेहरे की ओपन पोर्स तेजी से खुल जाते हैं। उसके बाद जब आप इस पेस्ट को लगाएंगे, मसाज करेंगे तो वो गंदगी आसानी से आपके चेहरे से बाहर आ जाएगी। तो अब आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है और मात्र 5 मिनट की मसाज कीजिए। 5 मिनट की मसाज के बाद आप इस बचे हुए पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए और सूखने दीजिएगा। जब ये सूख जाएगा तो आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से दोबारा से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। चाहे तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं या फिर रोज वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे चेहरे के जो ओपन पोर्स है, जो क्लीन हो गए हैं, वो एकदम से सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे, यानी कि हमारे चेहरे की स्किन एकदम से सॉफ्ट मुलायम तरोताज़ा हो जाएगी। और चेहरे को वॉश करने के बाद देखिए कि कैसे आपके चेहरे का रंग एकदम से गोरा हो गया है, निखरा हुआ
हो गया है, कैसे आप एकदम से जवान और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे बहुत ही ज्यादा है तो वीक में 2 बार जरूर यूज कीजिए और हमेशा से अपने चेहरे के काले दाग धब्बे झाइए कालेपन से छुटकारा पा लीजिए। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।